इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बवासीर क्या है, बवासीर के कितने प्रकार होते हैं, बवासीर होने के लक्षण, बवासीर होने का कारण, बवासीर और भगंदर में क्या अंतर है, बवासीर के इलाज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं डॉक्टर सीएस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हम स्वास्थ्य वर्धक वीडियो जब भी लाएँ तो आपकी मदद हो सके। बवासीर क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बवासीर को पाइल्स या हेमरोडिस भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफ देह होती है। इसे गुदा, एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदे के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या हो जाती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज करना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं किया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है। यह एक आनुवंशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो इसे दूसरे व्यक्ति को होने का अधिकांश चांस रहता है। यह रोग बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें असहाय जलन एवं पीड़ा होती है। बवासीर के प्रकार में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बवासीर दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है खूनी बवासीर और दूसरा बादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मल त्यागते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मल त्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने से अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में या हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते हैं। इस तरह के बवासीर का उपचार तुरंत करवाना चाहिए। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है, कब्ज एवं गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्सों में रक्तस्राव नहीं होता है। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इसमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इसमें खून जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद रोगी को दर्द बना रहता है। वह अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाता है और बैठने में तकलीफ महसूस करता है। इलाज करने से यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बवासीर होने के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई बार बवासीर यदि गंभीर अवस्था में न पहुंचा हो तो यह 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन रोग बढ़ने पर ये लक्षण देखे जा सकते हैं। इसमें गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, जिसमें दर्द रहता है तथा खून भी आता है। शौचालय के बाद भी पेट साफ न होने जैसी समस्या बनी रहती है। शौचालय के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून भी आता है। शौचालय के वक्त अधिक पीड़ा रहती है। गुदा के आसपास खुजली एवं लालिमा व सूजन भी रहती है। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन मल त्यागते समय मल का न निकालना, इस तरह की समस्या बनी रहती है। इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और अपने पाइल्स का इलाज करें। बवासीर किन कारणों से होता है, तो इसके कारण में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह बात पित्त एवं कफ तीनों दोषों को दूषित करने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोष रोग कहा गया है। जिस बवासीर में बात या पित्त कफ की प्रधानता होती है वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसांकुरों में से स्राव नहीं होता है। जिस अर्श में रक्त या पित्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है वे आद अर्श होते हैं, इसमें रक्त स्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक रहती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों में अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है। कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। काफी देर तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहाँ की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूल कर लटक जाती हैं, जिन्हें मस्सा कहा जाता है।
अधिक तला एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन करना, शौच ठीक से न होना, फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना, महिलाओं में प्रसंग के दौरान गुदा क्षेत्र का दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहना, आलस्य या शारीरिक गतिविधि कम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन, इन सभी कारणों से बवासीर की समस्या होती है। बवासीर और भंगदर में क्या अंतर होता है? तो इसके अंतर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बवासीर में गुदा एवं मलाशय के निचले भाग की रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक कब्ज और शौच में अधिकतम समय तक बैठे रहने से होता है। इसके अलावा मोटापा या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में भी यह खतरा होने का अधिकतर चांस रहता है। इसमें गुदा या मलाशय में मस्से बन जाते हैं जिनके फूटने पर इसमें खून निकलता है और दर्द होता है। भंगदर में मस्से नहीं रहते हैं, भंगदर में एक घाव युक्त नली बन जाती है जो गुदा नलिका तथा गुदा के बाहर की त्वचा में होती है। भंगदर उन लोगों में होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है, फोड़े में कोई मुंह बन जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करता है तो भंगदर का रूप धारण कर लेता है। इसमें से खून और मवाज लगातार निकलता रहता है। शुरुआती अवस्था में इसमें मवाज और खून की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग मात्र लगता है। धीरे धीरे रिसाव बढ़ता जाता है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। बवासीर के इलाज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। एलोवेरा के प्रयोग से बवासीर का इलाज। एलोवेरा के सूजन रोधक और चिकित्सीय गुणों से बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या नहीं रहती है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से पारिस का इलाज करता है। गुदे के बाहर के मस्से में एलोवेरा जेल लगाएं। यह जलन और खुजली को शांत करेगा। एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुदे को खाएं। इससे कब्ज नहीं रहेगी और मल त्यागते समय काफी आसानी होगी। बवासीर में फायदेमंद है सेव का सिरका। सेव का सिरका अपने कषाय गुणों के कारण रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने में काफी हद तक मदद करता है। खूनी बवासीर में एक गिलास पानी में सेव के सिरके का एक चम्मच डालकर दिन में दो बार पिए। बादी बवासीर में सेव के सिरके में रुई भिगाकर गूदे में रखने से जलन और खुजली में राहत मिलती है। बवासीर के उपचार के लिए जैतून का तेल। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिकाओं में आई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्से पर लगाएं। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबाएं तथा बादी बवासीर में मस्से पर लगाएं। यह सूजन और जलन को कम करता है। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे इससे आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दाने को पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इसे मस्से वाले जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह थी बवासीर रोग के बारे में आवश्यक जानकारी हमारे द्वारा दी गई। यह जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप बवासीर की समस्या से परेशान हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।